आज हम जैन दर्शन के अनेकांतवाद पे आगे और चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में देखा कि जैन दर्शन द्रव्य को अनंत धर्मात्मक मानता है, यानी कि द्रव्य में अनंत अनंत धर्म है, अनंत अनंत गुण है, और द्रव्य में ये सभी धर्म एक साथ उपस्थित रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आता है जाता है, वो एक साथ एक ही समय में उस द्रव्य में उपस्थित रहते ही हैं। यानी कि उसमें नित्यता, अनित्यता, शाश्वतता, क्षणिकता, ये सभी विरोधी गुण, सजातीय गुण, विजातीय गुण सभी उसी द्रव्य में एक साथ पाए जाते हैं। तभी हम दृष्टिकोण भेद पाते हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र ये स्पष्ट करता है कि एक दृष्टिकोण से जो हम देख रहे होते हैं वह आंशिक ज्ञान ही होता है, यानी वो हमारा व्यू होता है, हमारा दृष्टिकोण होता है, और हम उसे ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन असल में वह हमारा आंशिक सत्य ही होता है, वो संपूर्ण सत्य नहीं होता। व्यक्ति जिस ओर से देखता है उसे उसी ओर से किसी वस्तु का ज्ञान होता है, और जैन दर्शन इस ज्ञान को आंशिक मानता है। किंतु इसमें खास बात यह है कि जैन दर्शन उस दृष्टिकोण से उस वस्तु को या उस ज्ञान को पूर्णतः सत्य मानता है, यानी उस व्यक्ति द्वारा बताया गया, उस व्यक्ति द्वारा ज्ञात ज्ञान सत्य होता है, न कि असत्य। लेकिन फिर भी जैन दर्शन के अनुसार इन दृष्टिकोणों से प्राप्त ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जैसा कि पहले भी कहा कि किसी भी वस्तु में अनंत अनंत धर्म होते हैं, तो स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु के पूर्ण ज्ञान के लिए उसके संपूर्ण धर्मों को जानना, यानी अनंत धर्मों को जानना आवश्यक है। तभी हम किसी वस्तु के बारे में यह दावा कर सकते हैं कि हमें उसका संपूर्ण ज्ञान है। इस तरह जैन दर्शन यह मानता है कि एक साथ एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी, शाश्वत भी है और क्षणिक भी, भावात्मक भी है और अभावात्मक, यानी वो है भी और नहीं भी, यानी वो मिटती भी है और नित्य भी रहती है। तो ये सभी के सभी धर्म एक वक्त में एक साथ किसी भी द्रव्य में उपस्थित रहते हैं। बड़ी ये प्रसिद्ध कहानी जैन दर्शन की कि 6 अंधे एक गांव में हाथी आता है तो उसे देखने जाते हैं। लोग कहते हैं, आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा, हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसे छू तो सकते हैं। तो यूं करके वो उस हाथी को देखने के लिए या जानने के लिए उस महावत से कहते हैं। तो महावत कहता है, ये खड़ा हाथी। तो वो सभी उस हाथी को छू कर देखते हैं। चूंकि वो सभी हाथी के केवल एक ही हिस्से को छूते हैं, तो उनका ज्ञान हाथी के उसी छुअन पर निर्भर करता है। यानी वो जिस दृष्टिकोण से, यानी जिस हिस्से से वो रूबरू होते हैं, जिस हिस्से से वो हाथी को छूते हैं, बस उनका ज्ञान हाथी के अनुसार वैसा ही बन जाता है। जैसे जो व्यक्ति सूंड को पकड़ता है उसे लगता है हाथी सांप या अजगर जैसा है, जो व्यक्ति पैर को पकड़ता है उसको लगता है कि खंबा है या कोई पेड़ है, जो हाथी के पेट को छूता है उसे लगता है कोई दीवार है, कोई हाथी की पूँछ को छूता है तो उसे लगता है कोई रस्सी है, कोई जो हाथी के कान पकड़ता है उसे लगता है कि कोई बहुत बड़े पंखे हैं, और कोई हाथी के दांत पकड़ता है तो उसे लगता है कि कोई भाले हैं या कोई नुकीले खंभे हैं। तो इस तरह से सभी अपने अपने ढंग से उस हाथी की व्याख्या करते हैं, और हाथी का ज्ञान उनका अपना दृष्टिकोण से होता है। इन अंधों ने हाथी के विषय में जो निष्कर्ष निकाले वे आंशिक रूप से सत्य हैं, यानी इसे ये नहीं झुठलाया जा सकता कि वो गलत कह रहे हैं। ये बात अवश्य है कि सत्य जरूर है, लेकिन वो एक आंशिक सत्य है, वो अपने ढंग से ठीक है। सभी निष्कर्ष जो भी हैं वो हाथी के बारे में संपूर्ण ज्ञान तो देते नहीं, हाँ आंशिक ज्ञान ही दे पाते हैं। एक दृष्टिकोण से वस्तु के स्वरूप के विषय में जो निष्कर्ष निकल जाता है उसे नए कहते हैं। जब आप किसी एक दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देखते हैं तो वो नए कहलाता है, वो दृष्टिकोण जो होता है वो नए कहलाता है जैन दर्शन में। अब जैन दर्शन इसी नए के द्वारा, यानी दृष्टिकोण भेद के आधार पर विवादों का समापन करता है। जैन दर्शन के अनुसार एकांतवादी इन्हीं अंधों के समान एक ही दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैन दर्शन सभी एकांतिक मतों को नए के रूप में
वस्तु का आंशिक ज्ञान मानकर स्वीकार कर लेता है, जिससे दार्शनिक विवादों की समाप्ति हो जाती है। अगर बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है और शंकर कहते हैं सब कुछ स्थायी है, तो जैन दर्शन इन दोनों को एक नए मानते हैं। यानी एक दृष्टिकोण से वो ठीक कह रहे हैं शंकर, और दूसरे दृष्टिकोण से बुद्ध भी ठीक कह रहे हैं, तो इन दोनों को एक नए मान लिया जाए। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है और एक बच्चा कहता है कि मेरे पापा हैं, एक जना कहे मेरे मामा हैं, तो वो अपने अपने रिश्तों से अपने अपने दृष्टिकोण से ठीक कह रहे हैं। जैन दर्शन उनको केवल एक नए मानकर उन दोनों की बातों को समाहित कर लेता है, उन दोनों के विवादों को समन्वित कर उस विवाद को ख़त्म कर देता है। अंत में जैन दर्शन में अनेकांतवाद ने नित्यता और क्षणिकता का, एकता और अनेकता आदि का सुंदर समन्वय किया, जिससे इसे अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। जैन दर्शन का अनेकांतवाद दार्शनिक उदारता का परिचय देता है। धन्यवाद।